चॉम्स्की हायरार्की पार्ट वन, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको समरी दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो भाई, आपको याद आ रहा होगा मैंने चॉम्स्की हायरार्की में आपको क्या बताया था भाई। चॉम्स्की हायरार्की एग्जैक्टली है क्या भाई? कुछ नहीं है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर्स है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर्स। ओके, तो कितने टाइप की ग्रामर्स है भाई? मैंने आपको बताया था टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। ओके, हाँ जी, तो टाइप वन, टाइप जीरो में मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है भाई? यूनिवर्सल ग्रामर्स है ना। तो और इनमें क्या खास बात है भाई? LHS implies RHS होता है, तो LHS में एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल अगर आना चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल, बाकी कुछ मर्जी आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। टाइप वन ने क्या कहा था भाई? टाइप जीरो में होनी चाहिए और LHS की लेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू RHS की लेंथ, है ना। और टाइप टू ने क्या कह दिया था भाई? टाइप टू ने कहा था भाई LHS implies RHS है, तो LHS क्या होना चाहिए भाई? एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में एनीथिंग, जो आपका मन करे वो डाल सकते हो। आपको याद आ रहा होगा एक्सेप्शन भी मैंने आपको समझाई थी, नल प्रोडक्शंस, नल प्रोडक्शंस छोटी सी एक एक्सेप्शन थी। किस तरह से एक्सेप्शन थी? मैंने एक्चुअली समझाया था आपको कि टाइप जीरो यूनिवर्सल है ना, तो टाइप वन के लिए हम क्या कहेंगे भाई? टाइप जीरो तो होनी चाहिए, साथ साथ फिर हम कुछ कंडीशन डालते थे। तो टाइप वन के लिए क्या कहा था भाई? जीरो तो होनी चाहिए, साथ साथ एक कंडीशन हमने वो डाल दी कि LHS की लेंथ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू RHS की लेंथ। टाइप टू में हमने क्या कहा था भाई? टाइप जीरो होनी चाहिए, टाइप वन दोनों होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमने कंडीशन डाल दी थी कि LHS में एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल और RHS में एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो टाइप टू में हमने कहा ना कि टाइप वन होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक एक्सेप्शन मैंने आपको समझाई थी, नल प्रोडक्शंस। क्या थी भाई एक्सेप्शन? जैसे देखो, ए इंप्लाइज नल, ए इंप्लाइज नल, ये हमारी टाइप वन ने अलाउ नहीं करनी, लेकिन ये टाइप टू अलाउ कर रही है ना। कार में मैंने आपको अच्छे से समझाया था टाइप वन क्यों नहीं अलाउ कर रही भाई, क्योंकि यहाँ पे लेंथ वन है और यहाँ पे लेंथ जीरो है, तो वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो, बात बिल्कुल बकवास है, इसलिए टाइप वन नहीं है। बट ये टाइप टू क्यों अलाउ कर रही है? क्योंकि टाइप टू की डेफिनेशन क्या है भाई? लेफ्ट हैंड साइड में एक्जैक्टली एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में जो मर्जी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, टाइप वन नहीं है, टाइप टू है, तो ऐसे कैसे हो गया? तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था भाई, टाइप टू में हम नल प्रोडक्शंस को रिमूव कराने का एक एल्गोरिथम दिखाएंगे। तो जो भी ग्रामर आपने लिखी है उसमें से हम नल प्रोडक्शंस उड़ा सकते हैं आराम से, है ना। बट वही बात है, टाइप वन में एस इंप्लाइज नल अलाउ करी थी हमने, और एस इंप्लाइज नल कब अलाउ करी थी? एस राइट हैंड साइड में किसी भी प्रोडक्शन के नहीं आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती थी। तो वही बात है, अगर लैंग्वेज के अंदर नल है, मतलब लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग है, तो फिर हमें एस इंप्लाइज नल तो बड़ी ज्यादा मजबूरी हो जाएगी, हमें डालना ही पड़ेगा। तो फिर कहा गया कि टाइप वन ने इसको अलाउ कर दिया, बट राइट हैंड साइड में कहीं ऐसा नजर नहीं आना चाहिए था, है ना। बट टाइप टू ने क्या कहा है? जैसे मर्जी घुसाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, नल प्रोडक्शन सारी अलाउड है। जब ए इंप्लाइज नल अलाउड है, तो ऑब्वियसली एस इंप्लाइज नल भी अलाउड है, और एस राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जहां आता है, जैसे आता है, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप आगे हैंडल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नल प्रोडक्शन को रिमूव कराने का एल्गोरिथम आगे दिखाएंगे। तो जो भी आपने ग्रामर जी लिखी है वो कोई लैंग्वेज एल जनरेट कराती होगी, तो मैं इस जी में से सारी नल प्रोडक्शन रिमूव कर सकता हूं, मतलब कोई जी डैश ग्रामर बना सकता हूं, और वो जी डैश ग्रामर क्या करे भी सेम एल को एक्सेप्ट कराएगी। खास बात क्या है कि उसमें नल नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन अगर लैंग्वेज के अंदर नल होगा तो फिर उस जी डैश में हम सिंपली एक एस इंप्लाइज नल रख लेंगे, बस और कुछ नहीं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो भी टाइप टू ग्रामर हमने लिखी, टाइप टू बोलो या टाइप थ्री बोलो, दोनों पे ये एल्गोरिथम चलता है। जो भी आपने टाइप टू टाइप थ्री ग्रामर लिखी है वो किसी ना किसी लैंग्वेज के लिए लिखी होगी, उसमें नल प्रोडक्शन आई होंगी, लेकिन नल प्रोडक्शन को मैं बड़े आराम से रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने एल्गोरिथम चलाया नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का, उस एल्गोरिथम ने हमें कोई नई ग्रामर दे दी जी डैश। खास बात क्योंकि भाई जी डैश और जी दोनों सेम लैंग्वेज को जनरेट करते होंगे, हम कह देंगे कि हमारी बात बन गई। बट ऐसा कोई एल्गोरिथम टाइप वन में नहीं होता, है ना, मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। प्लीज, मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया था भाई, बार बार सारा कुछ रिवाइज कराऊंगा तो वीडियो बस्ती का लंबा जाएगा, और कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको समरी देने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता रहा, ठीक है जी। हाँ जी, तो फाइनली बस हमने एक बात चलो यही और करी थी कि अगर सपोज करो लैंग्वेज के अंदर अगर नल स्ट्रिंग प्रेजेंट हुआ, अगर लैंग्वेज में नल स्ट्रिंग प्रेजेंट हुआ, तो आपने जी डैश बनाई है उसमें तो सारी नल प्रोडक्शन उड़ा दी है। अगर सारी नल प्रोडक्शन उड़ा दी है तो फिर लैंग्वेज तो सेम नहीं रह जाएगी ना, क्योंकि इस लैंग्वेज में नल भी नहीं आ पाएगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो लैंग्वेज सेम नहीं रहेगी, अदर अच्छा बोलेंगे तो हमारे पास लैंग्वेज क्या आएगी भाई? एल माइनस नल, है ना, नल एज ए स्ट्रिंग, प्रॉपर सेट फॉर्म पर लिखना लैंग्वेज सेट है, तो नल फिर खाली स्ट्रिंग लिख के ये गलत हो जाएगा काम, है ना। एल माइनस नल नहीं कहना चाहिए, हमें सेट फॉर्मेट पर लिखना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो ये भी नल हमने फिर एज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग लिख दिया है, तो दिस माइनस दिस करके हम आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है जी। तो फाइनली हम एल माइनस नल कह पाएंगे, जो कि लैंग्वेज जनरेट करवाएगी जी डैश, ठीक है। तो वही बात है, आपको जबरदस्ती नल बीच में घुसाना ही है, तो उसके लिए फिर हम एस इंप्लाइज नल एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन डाल देंगे, और क्या करेंगे, जी डैश आपने बना ली, जो भी जी डैश होगी वो अपना काम कर रही होगी, है ना, बहुत सारे प्रोडक्शन शुरू होंगे,
उन सब प्रोडक्शन शूज में बस एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन रूल आप डाल दोगे सिंप्लाइज नल, बस हमारा काम खत्म है, तो वो हमारी सेम एल एक्सेप्ट कराने लग जाएगी। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात है, जितना मर्जी बोलो उतनी ज्यादा डिटेल में आपको अभी अच्छे से समझ पाओगे नहीं, तो बेटर जब हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो वहां बात करेंगे, जब हम प्रॉपर एल्गोरिथम दिखाएंगे ना नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का, वहां मैं अच्छे से बात कर लूंगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, दैट्स इट, ये होगी जी हमारी समरी। अच्छा जी, अब हम आज की क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। मैं साइड में होता हूँ, फटाफट से पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ जी, कर लिया नोट डाउन, ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा जी, अब आज की क्लास में देखो हमने क्या पढ़ना है, हमने टाइप थ्री के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, बट एक दो बात टाइप टू की मैं आपको और बता देता हूँ। भाई देखो भाई, टाइप टू में जो हमने शायद लास्ट क्लास में नहीं देखी, मैं फटाफट से वो बात कर लेता हूँ एक दो। टाइप टू को हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कहते हैं, सीएफजी। सीएफजी क्या है भाई? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। ओके, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। टाइप वन को क्या कहते हैं भाई? कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। मैंने आपको बताया था कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स। अच्छा जी, क्यों कहते हैं? मैंने आपको उस बात का भी कारण दिया था, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट रखने की ताकत है, इसलिए हम इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कह देते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या था, मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैंने बोला था अल्फा ए बीटा इंप्लाइज अल्फा गामा बीटा, है ना, तो ए इज चेंज टू अल्फा, अल्फा ए बीटा इंप्लाइज अल्फा गामा बीटा, ए इज चेंज टू गामा, सॉरी ए इज चेंज टू गामा इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा क्या होता था भाई? हमारा लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, और बीटा क्या होता था? हो जाता था भाई राइट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा कैन बी एनीथिंग, है ना, तो प्रॉपरली मैंने लिख के दिखाया था, अल्फा एंड बीटा कैन बी वी प्लस टी, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब नल भी आ सकता है। ए इज योर ओनली टर्मिनल, नॉन टर्मिनल सिंबल, है ना, ए एग्जैक्टली एक नॉन टर्मिनल सिंबल है, और गामा क्या होता था भाई? नॉन टर्मिनल प्लस टर्मिनल का प्लस, मतलब ये नल नहीं हो सकता, है ना, ये सब मैंने आपको समझाया था। तो बताया था मैंने आपको कि टाइप वन की ये डेफिनेशन बोलना, है ना, ये डेफिनेशन बोलना या एल एच एस इज लेस देन इक्वल टू आर एच एस बोलना, ये बात एकदम बराबर है। मैंने आपको प्रॉपरली समझाया भी था, आप कोई भी प्रोडक्शन रूल उठा के देख लेना, हर एक प्रोडक्शन रूल इन दोनों बातों को सेट, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्शन रूल आपको नहीं मिलेगा जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे लेकिन इसको ना करे, और इसको करे इसको ना करे, हर एक प्रोडक्शन रूल या तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा या दोनों को नहीं करेगा, मतलब दोनों बातें एकदम सेम है। मैंने आपको प्रॉपरली समझाया भी था, आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, तो अब मेन बात क्या है भाई, कंटेक्स्ट सेंसिटिव कहने का कारण क्या है टाइप वन का? क्योंकि ये कंटेक्स्ट रखने की ताकत है, इसमें ये कंटेक्स्ट रख सकती है, इसलिए इसको कंटेक्स्ट सेंसिटिव कहते हैं। और टाइप टू को हम लोग कंटेक्स्ट फ्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंटेक्स्ट रख ही नहीं सकती जितनी मर्जी कोशिश कर लो। क्यों? कारण आपको पता है भाई, टाइप टू ने क्या कहा है भाई, ए इंप्लाइज समथिंग, है ना, या यू कैन से एल एच एस, प्रॉपर लिखो तो एल एच एस इंप्लाइज आर एच एस है, तो एल एच एस क्या है भाई, सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है, ओनली वन नॉन टर्मिनल, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक बात ये समझो, हमने बोला अल्फा ए बीटा इंप्लाइज अल्फा गामा बीटा है, तो अल्फा और बीटा तो पक्की बात है नल होंगे, तभी तो हमारे पास टाइप टू आ पाएगी। अल्फा बीटा नल हुए, समझ पा रहे हो, तभी टाइप टू आ पाएगी, क्योंकि ये दोनों नल होंगे तभी हमारे पास एक सिंगल नॉन टर्मिनल आएगा, उसके बिना हमारे पास सिंगल नॉन टर्मिनल आने ही नहीं वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ना तो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट आ सकता ना राइट कॉन्टेक्स्ट आ सकता, तो इसका मतलब इसके पास कॉन्टेक्स्ट रखने की ताकत ही नहीं है, यू कैन से कॉन्टेक्स्ट फ्री है ये, इसलिए इसको क्या कहा गया भाई, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसलिए इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कह रहे हैं, क्योंकि अल्फा ए बीटा था तो अल्फा और बीटा मस्ट बी नल, ओनली देन वी कैन हैव वन नॉन टर्मिनल, अदरवाइज तो एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल आ सकता है या बीच में कुछ ना कुछ टर्मिनल घुसेगा एंड सो, तो वो बात तो बनने नहीं वाली। आई थिंक क्लियर होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। ठीक है जी, तो एक बात ये बताओ, टाइप वन में कॉन्टेक्स्ट रखने की ताकत है, टाइप टू में कॉन्टेक्स्ट रखने की ताकत नहीं है, तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा कौन सी ज्यादा पावरफुल है भाई, टाइप वन ज्यादा पावरफुल होगी टाइप टू से, है ना, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट रख सकता है बट इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं आ सकता। तो आपको लगेगा भाई कॉन्टेक्स्ट रखने से क्या फायदा है, पावर का मतलब समझ पा रहे हो, मतलब ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं टाइप वन ग्रामर तो लिख जाऊंगा लेकिन टाइप टू नहीं लिख पाऊंगा, मतलब एक कोई लैंग्वेज है हमारे पास, उस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए मैं टाइप वन ग्रामर लिख दूंगा, टाइप वन ग्रामर लिखते ही ये लैंग्वेज मेरी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन शायद इसी लैंग्वेज के लिए मैं टाइप टू ना लिख पाऊं। डिटेल स्टडी मैंने आगे दिखानी, अभी इतना मैं बात नहीं कर सकता, फिर भी चलो मन में आ रहा तो मैं बात कर रहा था। एक लैंग्वेज मैंने ले ली ए पावर एन बी पावर एन सी पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, बहुत बार गेट एग्जाम में भी आया, आपको माइंड फिट करके रखना, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, आगे मैंने डिटेल स्टडी करानी है। तो ये लैंग्वेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग टाइप वन ग्रामर तो लिख जाएंगे लेकिन टाइप टू ग्रामर नहीं लिख पाते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी लैंग्वेज है ना जिसके लिए टाइप वन आ रही है लेकिन टाइप टू नहीं आ रही, तो मतलब टाइप वन ज्यादा पावरफुल होगी टाइप टू से, तो समझ में आ गया ना। कोई बात है, मैं जैसे डीएफएनएफ में भी बताता था पावर का मतलब क्या होता है, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं, पावर का मतलब ये नहीं कि मसल स्ट्रॉन्ग से है, पावर का मतलब क्या है भाई, लैंग्वेज, है ना, ग्रामर का काम क्या है, लैंग्वेज जनरेट करना, तो ज्यादा पावरफुल ग्रामर का मतलब क्या होगा,
वो कुछ ऐसी लैंग्वेज जनरेट कर सकती है जो दूसरी नहीं कर पा रही। तो अगर किसी एक ग्रामर ने कोई ऐसी लैंग्वेज जनरेट कर दी जो दूसरी नहीं कर पा रही, तो ये वाली ज्यादा पावरफुल है। एंड आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब टाइप वन ग्रामर्स ज्यादा पावरफुल है बजाय टाइप टू ग्रामर्स के। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब थोड़ा और चाहिए आपको, अगर थोड़ा इंट्यूशन से प्रूफ चाहिए तो मैं छोटा सा आपको प्रूफ देने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, मैंने बोला ए ए बी इंप्लाइज ए सी बी, ठीक है, और फिर मैंने बोला ए ए सी इंप्लाइज ए डी सी, फिर मैंने बोल दिया बी ए डी इंप्लाइज बी ई डी डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे करके मैंने प्रोडक्शन रूल निकाले। तो एक बात ये समझो, A is changed to C in presence of this A and B. A is changed to D in presence of this A and C dot dot dot. तो directly indirectly मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये A और ये A अलग अलग है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब भी sentential form में हमारे पास A नजर आएगा तो मैं blindly उसको C में चेंज नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, directly indirectly A C में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन A C में कन्वर्ट होने के लिए A और B की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो? ये जो A है ये ए सी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस स्मॉल ए और स्मॉल बी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनकी प्रेजेंस ना हुई तो ये कैपिटल ए स्मॉल सी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इस ए को अगर आपको डी में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल ए और स्मॉल सी की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इनके बिना कैपिटल ए स्मॉल डी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंशियल फॉर्म में जब जब ए नजर आएगा तो आप उसको सेम कंसिडर नहीं करते, आप उसके आजू बाजू देख के काम करते हो। तो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब सेंटेंशियल फॉर्म में जितनी बारी ए नजर आएगा हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो सारे एज डिफरेंट हैं। ये ताकत आपको टाइप वन दे रही है, टाइप टू नहीं दे पाएगी क्योंकि टाइप टू में कंटेक्स्ट आता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी सेंटेंशियल फॉर्म में ए नजर आया तो वो ए की तरह कंसिडर होगा, सिंपल ए की तरह, है ना। तो हम उसको ब्लाइंडली किसी भी प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर सकते हैं एंड सम। तो मतलब सारे ए एक जैसे हैं अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्टुअल ग्रामर, बट सारे ए एक जैसे नहीं है अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि ए किस में कन्वर्ट होगा एंड सम। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, बट वही बात है, इतना नहीं समझ पा रहे हो कि डिटेल में आगे दिखाऊंगा, अभी ज्यादा बोलूंगा फिर तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेन बात बस इतना याद रखना, इनकी पावर ज्यादा है इससे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इनफैक्ट वैसे आपको पता भी होगा टाइप जीरो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद टाइप वन, उसके बाद टाइप टू और उसके बाद टाइप थ्री, है ना। ये पावर्स के हिसाब से हमने लिखा है, सबसे ज्यादा पावरफुल टाइप जीरो है, फिर टाइप वन, फिर टाइप टू और फिर टाइप थ्री। थोड़ा सा फॉर्मल प्रूफ मैंने आपको कोशिश करी समझाने की कि टाइप वन ज्यादा पावरफुल क्यों होती है टाइप टू से। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? स्ट्रिंग ड्राइव करके देखना, कोई अपने हिसाब से ग्रामर लिखो, आपको अपने से समझ आएगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में घुसूंगा तो टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं, मैं ज्यादा टाइम पास करना नहीं चाहता। चलो ठीक है जी, तो ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल और दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कंटेक्स्ट का मतलब। समझ पा रहे हो? देखो जैसे मैं बोलता हूं कल आना आप मेरे पास मिलने के लिए, तो यहाँ पे कल का मतलब क्या है भाई? मेरे आप अपना कॉमन सेंस निकालोगे, मैंने बोला कल आना मेरे से मिलने के लिए, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, जो नेक्स्ट डे आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अगर ऐसे बोलता कल आया था मैं आपके पास, तो फिर आप बोलोगे अच्छा कल, ये तो यस्टरडे वाला था। तो कल तो सेम ही है ना, लेकिन सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग निकल के आया कि नहीं, तो वही कंटेक्स्ट वाली बात है। तो ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव की बात आ रही है, समझ पा रहे हो? लेकिन अगर कंटेक्स्ट फ्री की बात कर रहे थे तो हम ये सब बात ना कर पाते। आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेन बात बस इतनी याद रखना, सेंटेंशियल फॉर्म में जब जब ए नजर आएगा तो फिर मैं उनको अलग अलग एज की तरह कंसिडर करूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा आजू बाजू क्या है एंड सॉन्ग। लेकिन कंटेक्स्ट फ्री में ऐसा चक्कर नहीं होगा, जब भी ए आएगा मैं उसको ब्लाइंडली किसी ना किसी प्रोडक्शन मतलब किसी ना किसी चेंज, जैसे मैंने बोल दिया ए ए बी या बी सी या डी ई डॉट डॉट डॉट, तो सेंटेंशियल फॉर्म में जहां जहां ए नजर आया होगा तो मेरे को इनमें से किसी एक से रिप्लेस करना ही पड़ेगा, डेड श्योर है ये बात, है ना। बात बनेगी नहीं तो फिर स्ट्रिंग पैदा नहीं होगा, और क्या होगा मेन काम क्या हमारा, स्ट्रिंग पैदा करना ना। तो स्ट्रिंग पैदा करने के लिए सेंटेंशियल फॉर्म में जो भी ए नजर आया होगा तो हम किसी को किसी से भी मतलब किसी को ए बी से किसी को बी सी से एंड सो ऑन रैंडमली रिप्लेस करेंगे। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है या कोई फिक्स वे नहीं है हमारे पास काम करने के लिए, बट यहाँ पे फिक्स वाली बात आ जाएगी, है ना। मतलब डिफरेंट है, बस इतनी बात करो, जब जब ए नजर आएगा तो मैं ब्लाइंडली किसी को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे इस ए को सी से रिप्लेस कर दो ना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ मैं बोलूंगा ब्लाइंडली मैं इस ए को ए बी से रिप्लेस कर सकता हूँ, फिर इस ए को भी इस ए बी से रिप्लेस कर सकता हूँ, एंड सो जो मेरा मन करे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ब्लाइंडली नहीं रिप्लेस कर सकता। जब ए ए नजर आएगा तो मेरे को आजू बाजू देखना पड़ेगा, अच्छा ए बी नजर आ रहा है तो मैं इसको सी से रिप्लेस करूंगा, यहाँ देखूंगा अच्छा ए सी नजर आ रहा है तो मैं इस ए को डी से रिप्लेस करूंगा, एंड सो। समझ पा रहे हो? थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। चलो ठीक है, दैट्स इट, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप टू। ओके, और टाइप वन ज्यादा पावरफुल है टाइप टू से। अब हम आते हैं जी टाइप थ्री पे। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, हटा दूं। हाँ जी,
अब देखो भाई टाइप थ्री ग्रामर क्या है, बहुत सिंपल ग्रामर्स है। ओके, रेस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही है, देख रहे हो ना, पावरफुल कहने का मतलब टाइप जीरो को मैंने कहा ज्यादा पावरफुल है, टाइप वन थोड़ी सी कम है, टाइप टू थोड़ी और कम है, टाइप थ्री बिल्कुल कम पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या है भाई, क्योंकि पावरफुल कम क्यों है, क्योंकि आप अपने आप से समझ पा रहे होंगे रेस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जा रही है। टाइप जीरो पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जब टाइप जीरो पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो फिर वो जो भी ग्रामर होगी वो टाइप जीरो तो होगी होगी, तो कोई लैंग्वेज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर ग्रामर लिख पा रहा हूँ तो पक्की बात है टाइप जीरो तो मैं लिख ही पाऊंगा, है ना, सिंपल बात आप समझ पा रहे होंगे। तो टाइप जीरो ज्यादा पावरफुल है, फिर उसके बाद उससे कम पावरफुल वन है, उससे कम पावरफुल टू है, और उससे कम पावरफुल थ्री है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शन बढ़ती जा रही है तो हम समझ पा रहे हैं फंसते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो टाइप थ्री की डेफिनेशन देखो अभी, और इनफैक्ट मैंने डेफिनेशन में भी ये बताया था ना आपको टाइप टू का मतलब क्या था, टाइप जीरो टाइप वन तो होनी ही चाहिए, उसके बाद फिर मैंने कुछ ना कुछ और रेस्ट्रिक्शन डाल दी है तो थोड़ा और कम काम कर पाएंगे वो, है ना, आई थिंक समझ पा रहे हो। चलो ठीक है जी, टाइप थ्री की डेफिनेशन देखो, टाइप थ्री के लिए हम क्या कहेंगे अभी, जीरो वन और टू ये तीनों तो सेटिस्फाई होने चाहिए। उसके बाद इसने क्या कहा, LHS implies RHS वाली बात है ना, तो हम LHS में क्या कहेंगे, क्योंकि टाइप टू भी सेटिस्फाई होने चाहिए, तो हम क्या कह पाएंगे भाई, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, है ना। और RHS की क्या कहानी, RHS की कहानी देखो भाई, टाइप टू ने क्या कहा था, एनीथिंग जो मन करे वो घुसा देना, लेकिन टाइप थ्री ने फिर RHS पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा, देखो LHS पे इससे ज्यादा क्या रिस्ट्रिक्शन लगा, मैंने बोल दिया कि एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, टाइप टू ने ये बात बोली है ना, तो टाइप थ्री भी यही कह सकती है इसके अलावा और क्या कह पाएगी, तो बचा था RHS। टाइप टू ने क्या कहा था, RHS में कुछ मर्जी आ जाए, लेकिन टाइप थ्री ने कहा RHS में ऐसे नहीं, कुछ मर्जी नहीं घुसाना, आपके पास दो तरीके हैं, क्या तरीके हैं अभी, पहला तरीका तो है एन टी स्टार स्लैश टी स्टार, और दूसरा तरीका है जी टी स्टार एन स्टार स्लैश टी स्टार। ठीक है, क्या मीनिंग है मैं भी आपको समझाता हूँ, एन टी स्टार का आप मतलब समझ पा रहे हो, टी स्टार मतलब जीरो और मोटी, टी मतलब टर्मिनल, एन मतलब नॉन टर्मिनल, मतलब एक टर्मिनल के पीछे कितने मर्जी टर्मिनल घुसा लेना, या फिर सिर्फ टर्मिनल्स ही रख लेना, ओनली टर्मिनल्स, है ना, तो हमारी बात बन सकती है, या फिर कितने भी टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल घुसा लेना या सिर्फ टर्मिनल रख लेना, तो ये बात बन सकती है, मतलब और कोई तरीका इसमें नहीं है, मतलब मिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे तो ऐसे आपको समझ जाएगा, मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, जैसे देखो मैंने बोल दिया एस इम्प्लाइज ए एस और ए ए ए ए बी और बी इम्प्लाइज से ए बी और नल, बोलो भाई क्या है ये, तो पहले तो ये बात बोलो भाई, एस इम्प्लाइज ए एस ये कैसा है भाई, टी स्टार एन टाइप है, क्योंकि टी स्टार है ना एनी नंबर ऑफ टर्मिनल, तो मैंने एक टर्मिनल ले लिया उसके पीछे एक नॉन टर्मिनल घुसा दिया, बात बिल्कुल बन गई। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये क्या किया, मैंने तीन टर्मिनल ले लिए उसके पीछे एक नॉन टर्मिनल घुसा दिया, हाँ जी बात बिल्कुल, टर्मिनल तो कितने मर्जी घुसा दो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, टी स्टार है ना, जीरो और मोर टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल, तो जीरो और मोर टर्मिनल के पीछे एक टर्मिनल बात सॉरी जीरो मोर टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल बात बिल्कुल बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पे देखो भाई, जीरो और मोर टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल बात बन रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, नथिंग मतलब कोई भी टर्मिनल भी नहीं आया, और टी स्टार मैंने टी स्टार बोले ना, टी स्टार मतलब जीरो और मोर टर्मिनल भी तो चल सकते थे, तो बात बिल्कुल बन रही है। तो ठीक है जी, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दिस इज टाइप थ्री, समझ आ गया, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट दो चार एग्जांपल करूंगा वहां पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चीज है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना आपको दिस और दिस मैंने कहा है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेना, नॉट बोथ प्रॉपरली लिख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी गेट एग्जाम में, दोनों बातें नहीं आ सकती, या तो ये आएगी या ये आएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, और देखो भाई, अब इसके अकॉर्डिंग में दिखाता हूँ एग्जाम्पल, क्या दिक्कत है, ये लो भाई, एस इम्प्लाइज एस ए और बी ट्रिपल ए और बी, बस घुमा दिया मैंने इसको, और नल, बोलो भाई ये इस डेफिनेशन सर्विस कर क्या कह रहे हैं भाई, एक नॉन टर्मिनल के पीछे कितने मर्जी टर्मिनल घुसा दो, एक नॉन टर्मिनल के पीछे कितने मर्जी टर्मिनल घुसा दिए, एक नॉन टर्मिनल के पीछे कितने मर्जी टर्मिनल घुसा दिए, एक नॉन टर्मिनल के पीछे कितने मर्जी टर्मिनल घुसा दिए, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या है भाई, आप सब कह रहे हो टी स्टार है, मतलब एनी नंबर ऑफ टर्मिनल सब ले सकते थे ना, तो हमने एक भी टर्मिनल लिया तो नल भी अलाउड है, तो थिंक समझ पा रहे हो भाई, नल प्रोडक्शन टाइप थ्री अलाउ कर रही है, इसकी डेफिनेशन ये बात बोल रही है ना, नल प्रोडक्शन टाइप टू भी कर पा रही थी, डेफिनेशन बोल रही थी, बट टाइप वन सेटिस्फाई नहीं करते, तो वही बात है कि दोबारा से यहाँ पे नल प्रोडक्शन आर अलाउड इन टाइप थ्री बट नॉट इन टाइप वन, आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या क्या कोशिश कर रहा हूँ। और एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल, एस इम्प्लाइज ए, बोलो भाई क्या ये हमारे टाइप सी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, एस देखो ये तो दोनों ने ही बोल रखा है, टी स्टार मतलब सिंगल टर्मिनल, एक भी टर्मिनल मतलब नल ले लो वो भी चलेगा, एक टर्मिनल ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, जितने मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस इम्प्लाइज नल, हाँ जी बिल्कुल बात बनेगी, है ना, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, दोनों डेफिनेशन बोल रही है, दो बातें है ना, दोनों में से एक भी बात बन जाएगी तुम्हारी बात क्लियर हो जाएगी, है ना, और बट दोनों सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसका बात इस बात का भी आंसर करूंगा कि दोनों क्यों नहीं हम सेटिस्फाई कर सकते, दो मिनट रुको, एस इम्प्लाइज ए, हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, अच्छा एस इम्प्लाइज नल बात बिल्कुल ठीक है, एस इम्प्लाइज ए ए ए एस बात बिल्कुल ठीक है, एस इम्प्लाइज एस ए ए ए ए बात बिल्कुल ठीक है, एस इम्प्लाइज ए एस बी, बोलो क्या ये बात ठीक है, वहां बकवास बात है, नहीं चलने वाली, क्यों, इसने क्या कहा था भाई,
एक नॉन टर्मिनल के पीछे कितने मर्जी टर्मिनल या कितने मर्जी टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल, तो आपने ये क्या घुसा दिया भाई, टर्मिनल फिर नॉन टर्मिनल फिर एक टर्मिनल कैसे घुसा दिया। समझ पा रहे, देखो इतनी बात बोलता मैं एएस तो ये वाली बात चल जाती, ये बोल देता एक बार दोबारा देखो एएस बोलता तो ये वाली बात चल जाती, और अगर मैं ये बोल देता तो ये वाली बात चल जाती है ना, एक नॉन टर्मिनल के पीछे टर्मिनल, तो मिक्स कैसे कर दिया ये बात नहीं बनने वाली। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन ये बात नहीं कह रही, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन ये वाली बात नहीं कह पा रही। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। और देखो भी एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया तो मतलब ये समझ पा रहे हो, नॉन टर्मिनल सिर्फ एक होना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से बोलो तो राइट हैंड साइड में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, और साथ साथ वो नॉन टर्मिनल या तो शुरुआत में होना चाहिए या वो एंड में होना चाहिए, बीच में कहीं नहीं आ सकता। ये बात अगर आपको समझ आएगी तो हमारी बात क्लियर है। समझ पा रहे हो टाइप थ्री की मेन क्रक्स वाली बात, जो मेन रूट है वो क्या कह रहा है भाई, एलएचएस में तो एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन टर्मिनल आ सकता है, या तो वो शुरू में या वो एंड में, रादर अच्छा बोल तो एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल, एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल, या तो वो शुरू में या फिर वो एंड में, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बस ये है जी टाइप थ्री। तो अब बस अब ये सब काम ट्रिवियल हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं जैसे एस इंप्लाइज बी ए ए ए ए बी, बकवास बात है, क्यों दो नॉन टर्मिनल कहां से आ गए, मैंने तो कहा एक नॉन टर्मिनल चाहिए तो शुरू में या एंड में। अच्छा जी एस इंप्लाइज ए ए ए ए बी, आज बात बिल्कुल बन जाएगी, क्यों, क्योंकि एक ही नॉन टर्मिनल है वो एंड में आया है। ऐसे ही एस इंप्लाइज बी ए ए ए ए, हाँ जी बात बिल्कुल बन जाएगी, क्यों, एक नॉन टर्मिनल है वो शुरुआत में आया है। एस इंप्लाइज ए ए बी ए ए, बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि एक ही नॉन टर्मिनल है लेकिन वो बीच में कहां से घुस गया, या तो शुरू में आता या आखिरी में आता, बीच में कहां से घुसा दिया आपने, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी होगी। अच्छा अब मेन बात क्या है भाई, हमने क्या बोला भाई, नोट बोथ, दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, हटा दो मैं इस चीज को, हाँ जी अगर मैं आपको बोल देता एस इंप्लाइज ए एस और एस बी और नल, बोलो भाई बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल बताओ क्या ये टाइप थ्री है। आप बोलोगे जी एस, देखो इसमें तीन प्रोडक्शन रूल है ना, एस अच्छे से मैं लिखता हूँ, एस इंप्लाइज ए एस, एस इंप्लाइज एस बी, एस इंप्लाइज नल, ठीक है, एस इंप्लाइज ए एस, हाँ जी बिल्कुल, ये देखो भाई ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, एस इंप्लाइज एस बी ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है, और एस इंप्लाइज नल, ठीक है ये दोनों में से किसी को भी आप पकड़ सकते हो। मेन बात क्या है भाई, मेन बात ये है कि हमने ये जो ग्रामर लिखी है ना ओवरऑल, ये दोनों चीजों को मिला करके लिखी है, दोनों चीजों को मिला करके लिखनी, एक चीज को उठा के काम करना होता है, मतलब एस इंप्लाइज ए एस है, तो मतलब अगर हमने ग्रामर लिखी है टाइप सी लिखी है तो नॉन टर्मिनल या तो सिर्फ सिर्फ राइट में चलते रहेंगे या सिर्फ सिर्फ लेफ्ट में चलते रहेंगे, ऐसे नहीं कि मिक्स चले कहीं राइट कहीं लेफ्ट, कहीं राइट कहीं लेफ्ट, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, समझ पा रहे हो, जो भी हमने नॉन टर्मिनल लिखा, ये देखो जैसे आरएचएस था, आरएचएस में जैसे ए ए ए ए ए ए ए एस है ना, या फिर एस ए ए ए ए ऐसे करके है, हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे कि आरएचएस में या तो नॉन टर्मिनल एक्सट्रीम राइट में होना चाहिए या वो लेफ्ट में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि खिचड़ी बन जाए कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट, ऐसे बात नहीं बनेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके तो प्लीज ये बात माइंड में फिट करके रखना। तो एस इंप्लाइज ए एस यहाँ पे राइट में आ गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट में कैसे आ गया भाई, तो मेन बात ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोडक्शन रूल अगर सिंपली होता तो मैं बोल देता टाइप थ्री है, ये प्रोडक्शन रूल होता तो मैं बोल देता टाइप थ्री है, ये बोल देता ये भी टाइप थ्री है, बट ओवरऑल ये टाइप थ्री नहीं है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी, ओके तो ये प्रोडक्शन रूल टाइप थ्री, ये प्रोडक्शन रूल टाइप थ्री, ये प्रोडक्शन रूल टाइप थ्री, बट ओवरऑल टाइप थ्री नहीं है, क्यों, ये टाइप थ्री क्यों है भाई, एक्सट्रीम राइट में आ रहा है, ये टाइप थ्री क्यों है भाई, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन दोनों कैसे आ गए ये आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दी, बात नहीं बनेगी, ठीक है जी, ओके आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट होल्ड करो भाई, बेबी आ गया मेरा, हाँ जी बाय बेटा बाय, ठीक है बाय 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 बाय, अब पापा वीडियो बना लें, काम कर लें पापा, हाँ जी हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके बाय बाय, ठीक है हाँ ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी, तो एक्सट्रीम राइट में आएंगे या एक्सट्रीम लेफ्ट में आएंगे दोनों जगह से नहीं आ सकते। एक एक बस एग्जांपल और देख लो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर ए ए ए ए है ना, और फिर से ए, ठीक है, और ए इंप्लाइज से ए बी बी, बोलो भाई ये ग्रामर कैसी है, ये प्रोडक्शन रूल की बात करो भाई,
ठीक है जी, टाइप थ्री को सेटिस्फाई करवा पा रही है, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम राइट में आया है ये, टाइप थ्री को सेटिस्फाई करवा पा रही है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था भाई, एंटी स्टार या टी स्टार है, तो टी को हम नल मान के चल सकते हैं ना, और टी स्टार का मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ टर्मिनल, हमने नहीं पकड़ा तो खाली नॉन टर्मिनल आगे बात बन जाएगी, तो सिंप्लाइज है ये टाइप थ्री को सेटिस्फाई करवा जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये भी टाइप थ्री को सेटिस्फाई करा जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट में है। बट फाइनली जब हम देखेंगे ये पूरी की पूरी ग्रामर टाइप थ्री को सेटिस्फाई नहीं करा पाए, क्योंकि ये यहाँ पे एकदम राइट में फिर लेफ्ट में, खिचड़ी नहीं बनानी भाई, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, ऐसे बात नहीं बनेगी, या तो सारा सारा राइट में चलेगा या सारा सारा लेफ्ट में चलेगा, है ना? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो फाइनली ये टाइप थ्री नहीं निकल के आएगी। अच्छा जी, एक नाम में वैसे बता देता हूँ आपको, जैसे हमने बोल दिया, जैसे ये बोला था हमने ए इंप्लाइज नल, इसको हमने क्या बोला था भाई, नल प्रोडक्शन, याद है आपको, इसको हमने नल प्रोडक्शन कहा था। ऐसे ही ए इंप्लाइज बी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं जी यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये सब भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, यूनिट प्रोडक्शन हमें नहीं रखनी होती ग्रामर में, इसको रिमूव करते हैं, एंडसन उसके एल्गोरिथम हम आगे देखेंगे। बट ए इंप्लाइज बी एक यूनिट प्रोडक्शन है, क्वेश्चन गेट ऐसा हमें आ सकता है, यूनिट प्रोडक्शन टाइप थ्री अलाउ करती है, टाइप थ्री करते तो आप समझ पा रहे हो, टाइप टू भी करती है, टाइप वन भी करती है, टाइप जीरो भी करती है, सभी सेटिस्फाई करवाती है यूनिट प्रोडक्शन को, ठीक है? तो याद रखना आपको यूनिट प्रोडक्शन को टाइप जीरो वन टू थ्री हर एक टाइप की ग्रामर सेटिस्फाई कराती है। प्रूफ आप अपने आप देखेंगे, मैं होमवर्क में दे रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। टाइप थ्री में तो आपको समझ में आ ही रहा है, डेफिनेशन सेटिस्फाई करवा पा रही है, टाइप टू में बस हमें कुछ करना नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए था, हमारे पास है, हमारी बात बन जाएगी। टाइप वन को सेटिस्फाई क्यों करा पा रही है, लेफ्ट हैंड साइड देखो राइट हैंड साइड देखो दोनों की लेंथ एकदम बराबर है, बात बन जाएगी। और टाइप वन और टाइप जीरो तो आई थिंक समझ पा रहे हो, टाइप जीरो है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें सिर्फ एक नॉन टर्मिनल चाहिए होता था, इसके अलावा कुछ मर जाता था, हमें को फर्क नहीं पड़ता था, टाइप जीरो ने ये बात बोली थी, और यहाँ पे हम ये चीज कह पा रहे हैं, बस बात हमारी बन गई। यूनिट प्रोडक्शन सारी की सारी ग्रामर्स अलाउ करती है, बट नल प्रोडक्शन कौन कौन सी ग्रामर अलाउ करती है, जीरो टू और थ्री, टाइप वन नल प्रोडक्शन को अलाउ नहीं करती, बस इतना आपको याद रखना, ठीक है जी? दो तरह के प्रोडक्शन देखिए, नल प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोडक्शन, आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी? चलो मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मैं हटाता हूँ इस चीज को और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, एक ना एक और कंसेप्ट मेरे माइंड में आ रहा है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो एक कंसेप्ट है लीनियर ग्रामर्स का, ठीक है? लीनियर ग्रामर्स, तो ये कोई चॉम्स्की की हायरार्की से रिलेटेड नहीं है, मैं आपको सिंपली कंसेप्ट समझा रहा हूँ। लीनियर ग्रामर का मतलब क्या होता है, आरएचएस ऑफ प्रोडक्शन रूल मस्ट कंटेन एट मोस्ट वन नॉन टर्मिनल। अगर एट मोस्ट वन नॉन टर्मिनल है आरएचएस ऑफ प्रोडक्शन रूल में, तब हम क्या कह देंगे, ग्रामर हमारी लीनियर है, समझ पा रहे हो? तो लीनियर ग्रामर का मतलब क्या भाई, आरएचएस में एट मोस्ट वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए। अच्छा जी, अब टाइप थ्री की डेफिनेशन भी देखो भाई, टाइप थ्री की डेफिनेशन क्या कह रही थी, वो भी यही चीज कह रही थी, एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल होना चाहिए, है ना? देखो अगर हम ये वाली बात लेके चलते तो ये भी वही कह रही है एटमोस्ट नॉन टर्मिनल, ये वाली बात भी यही कह रही है एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल, समझ पा रहे हो ना? देखो ये वाली प्रोडक्शन रूल क्या कह रहा है, एक नॉन टर्मिनल वो बिल्कुल शुरू में होना चाहिए, और उसके साथ उसके पीछे हम कितने मर्जी टर्मिनल घुसा सकते हैं या फिर सिर्फ टर्मिनल ले लें। तो अगर हम सिर्फ टर्मिनल ले लेंगे तो आप आई थिंक समझ पा रहे हो भाई, हमने नॉन टर्मिनल एक भी नहीं लिया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये वाली डेफिनेशन भी कह रही है एटमोस्ट नॉन वन नॉन टर्मिनल, ये वाली बात भी एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल। तो क्या मैं बोल दूं कि टाइप थ्री और लीनियर ग्रामर एक बात है, ये क्वेश्चन गेट में आया, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं और ध्यान से समझा रहा हूं, प्लीज आराम से समझना। क्या ये बात मैं बोल दूं कि टाइप थ्री और लीनियर एकदम सेम है, क्योंकि लीनियर ने भी क्या कहा है भाई, एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल, और टाइप थ्री ने भी क्या कहा है भाई, एटमोस्ट नॉन टर्मिनल। देखो भाई टाइप थ्री ने दो डेफिनेशन दी है, एक डेफिनेशन ये है और एक डेफिनेशन ये है, दोनों में से कोई भी आप चला सकते हो, हमारे टाइप थ्री के लिए चलेगी, लेकिन दोनों मिक्स नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले कई बार बताया है। तो दोनों डेफिनेशन हमने देखी, दोनों ये चीज कहने की कोशिश करेंगे एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल हो सकता है। बोलो भाई क्या बात सेम है, नहीं बात सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा है, पहली डेफिनेशन ने क्या कहा है, एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो नॉन टर्मिनल एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए हमेशा, और इसने क्या कहा है, एक्सट्रीम राइट में होना चाहिए हमेशा। लेकिन इसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि नॉन टर्मिनल एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए, एक्सट्रीम राइट में होना चाहिए, नहीं, इसने सिंपली क्या कहा है, एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल। तो सिंपल बात बोलूं, बिल्कुल सिंपल, तो मैं से कहूंगा एस इंप्लाइज ए एस बी और नल, ये हमारी लीनियर ग्रामर है, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल है। हाँ अच्छा बोलूंगा तो यहाँ पे एक्जेक्टली एक नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे एक भी नॉन टर्मिनल नहीं, तो बात बन गई। तो और हम क्या कह रहे हैं, इस ग्रामर में राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन रूल मैंने देखा, हर एक जगह राइट हैंड साइड में मेरे को एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल ही नजर आया है, तो बात बन गई, दिस इज लीनियर ग्रामर। बट क्या ये टाइप थ्री है, नहीं, आपको देखते समझा रहे भाई, मैंने क्या कहा था भाई, एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल वाली बात तो ठीक है, लेकिन या तो वो बिल्कुल शुरू में होना चाहिए या वो बिल्कुल एंड में होना चाहिए, है ना? बीच में नहीं आ सकता, यहाँ पे बीच में आ रखा है, तो वहीं से हम फंस गए। तो ये लीनियर तो है लेकिन रेगुलर नहीं है, यार अच्छा बोलो, तो अभी रेगुलर तो नहीं बोला मैं, अभी दो मिनट बाद वर्ड बोलूंगा, फिलहाल हम क्या कह सकते हैं भाई, टाइप थ्री ये नहीं है, ठीक है? तो टाइप थ्री ने बस रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है,
कि लीनियर ग्रामर पे ऐसे बोलूं अच्छा, तो लीनियर ग्रामर पे टाइप 3 ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, नॉन टर्मिनल तो बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल एंड में। आई थिंक आप पकड़ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है जी, बस अब इतनी डिस्कशन से मैं सिंपल बात इतनी कह के भाग सकता हूं, टाइप 3 ग्रामर्स और उससे बड़ा सेट होगा जी लीनियर ग्रामर्स का, ठीक है ना। टाइप 3 से बड़ा सेट होगा लीनियर ग्रामर्स का, तो लीनियर ग्रामर पे ही मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो एवरी टाइप 3 इज लीनियर बट एवरी लीनियर इज नॉट टाइप 3, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो टाइप 3 ग्रामर को मैं डिफाइन करते टाइम ऐसे ही बोल सकता था, टाइप 3 ग्रामर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ग्रामर इन विच नॉन टर्मिनल विल अपीयर ईदर इन द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ एवरी प्रोडक्शन रूट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा और अच्छा बोलूं तो मैं और अच्छा ऐसे बोल सकता हूं, देखो भाई थोड़ा सा और ब्यूटीफुल वे में आपको समझाता हूं, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है ओके, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा काम आपको। देखो भाई मैं ऐसे कह सकता था, जो हमारी टाइप 3 ग्रामर्स हैं, टाइप 3 ग्रामर्स वो दो टाइप की हो सकती है, क्यों? क्योंकि दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या है भाई? एन टी स्टार या टी स्टार, और दूसरी डेफिनेशन क्या है भाई? टी स्टार एन और टी स्टार, है ना। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ दोनों मिक्स नहीं करनी, या तो ये चला लेना या ये चला लेना, ठीक है जी। तो अगर इस टाइप से चल रहा है तो आप देख पा रहे हो नॉन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रहा है। राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन में तो आएगा ही आएगा, बट वो हमेशा लेफ्ट में आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट। जैसे ये देखा हमने, एस इम्प्लाइज एस ए ए, है ना, या फिर ए ए और ए इम्प्लाइज ए ए और ए, ऐसे करके मैंने कोई ग्रामर लिखी। तो ये क्या है भाई, एक किस्म से इस स्टाइल से मैंने लिखी है। ऐसे इस स्टाइल से कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता था, इसको बस फ्लिप मार देना, ए ए और ए इंप्लाइज ए ए और ए, ऐसे करके मैंने ये इस टाइप से लिख दी। अच्छा जी, तो इस टाइप की ग्रामर को हम लोग क्या कह सकते हैं? देखो भाई इसकी ग्रोथ कैसे चलेगी, ऐसे समझना, ग्रोथ कैसे चलेगी, लेफ्ट 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 ऐसे चल के। देखो एस इंप्लाइज मैंने चलाया होगा एस ए ए, फिर अब मैं इस एस को हटा के क्या भर सकता हूं, दोबारा से एस ए ए ए ए, तो ये ऐसे आ गया, तो इसको मैंने ऐसे चलाया। तो देख पा रहे हो स्ट्रिंग की ग्रोथ ऐसे चलेगी, है ना, राइट टू लेफ्ट ऐसे, उर्दू स्टाइल में। उर्दू कैसे लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है ना, बिल्कुल ऐसे उर्दू स्टाइल में चल रहा है। तो इसलिए हम इस ग्रामर को क्या कह देते हैं भाई, लेफ्ट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट लीनियर। अच्छा जी ये कैसे चलेगी भी, देखो एस इंप्लाइज ए ए एस, और फिर इस एस को रिप्लेस करूंगा तो ए ए एस, ये दो ए तो ऐसे आ गए, फिर ये दो ए, तो ये ऐसे ग्रो करेगी राइट साइड में। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं भाई, राइट लीनियर ग्रामर, ठीक है जी, राइट लीनियर ग्रामर। अच्छा लीनियर कहने का थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को, लीनियर क्यों कह रहे हैं हम लोग? लीनियर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ लीनियर फैशन में चलती है। लीनियर मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो सकती, सिंपल बात करो तो दो दो के चार, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, ऐसे नहीं चलते। यहाँ पे लीनियर ग्रोथ चलती है, जैसे ये दो थे तो 2x ग्रोथ होगी, जैसे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके सेंडेंशियल फॉर्म की हमारी ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे नहीं आ सकती, समझ पा रहे हो। ऐसे यहाँ पे भी देखो भाई ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन लीनियर फैशन में ही बढ़ेंगे, हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे आती, जैसे हमारे पास दो नॉन टर्मिनल होते ए बी, ये ए आगे और दो नॉन टर्मिनल पैदा कर देता और ये बी आगे और दो नॉन टर्मिनल पैदा कर देता, है ना, डॉट 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 डॉट। तो जब हम जैसे देखो ऐसे शुरू होते ए और बी मिलते, है ना, फिर ये ए आगे बी और सी पैदा कर देता, है ना, और ये बी आगे बी और डी पैदा कर देता, डॉट 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 डॉट। तो देख पा रहे हो पहले सेंटेंशियल फॉर्म, ये तो यहां से शुरू करो, सेंटेंशियल फॉर्म की लेंथ एक थी, सॉरी दो थी, यहाँ पे चार होगी, फिर ये आगे दो दो और पैदा करेंगे तो आठ होगी, फिर आठ के सोलह होगी, डॉट डॉट डॉट, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। तो ये लीनियर ग्रामर इसलिए नहीं है, तो लीनियर ग्रामर इसलिए कहा आपको, राइट साइड में सिर्फ एटमोस्ट एक नॉन टर्मिनल आ सकता है, एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल नहीं आ सकता। एक भी नॉन टर्मिनल है तो बात वही बात खत्म हो जाएगी, है ना, फिर तो हमारी ग्रोथ बंद होगी एक किस्म से, बट ग्रोथ होगी सही तो लीनियर ग्रोथ होगी, क्यों? क्योंकि एक ही नॉन टर्मिनल आ सकता है, एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल आ सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा नॉन टर्मिनल आया तो फिर हम क्या कहेंगे भाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, तो फिर वो लीनियर काई की हुई। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो रेगुलर ग्रामर अच्छे से आपको याद रखनी है, या तो लेफ्ट लीनियर होती है या राइट लीनियर होती है, दोनों नहीं हो सकती, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड फिट कर रखना। तो राइट सी ग्रामर विल बी इधर लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर, बट नॉट बोथ, ये माइंड में फिट करके रखना, अच्छे से लाइन लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो और साथ साथ हमने क्या पढ़ा, एवरी लीनियर ग्रामर इज रेगुलर, नो सॉरी बार बार मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, रेगुलर भी दो मिनट बाद बोलना है, टाइप थ्री बोला, सिंपल टाइप थ्री बात करो। हाँ जी, क्या एवरी लीनियर ग्रामर इज टाइप थ्री? नो। एवरी टाइप थ्री इज लीनियर? यस, एवरी टाइप थ्री इज लीनियर, बट एवरी लीनियर इज नॉट टाइप थ्री। एवरी टाइप थ्री इज लीनियर वाई? क्योंकि हमने टाइप थ्री की डेफिनेशन बोला है, एटमोस्ट वन नॉन टर्मिनल आ सकता है, और साथ साथ एक रेस्ट्रिक्शन और लगा दिया, तो बिल्कुल शुरू में आएगा वो बिल्कुल एंड में आएगा। आई थिंक आप समझ गए मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चॉम्स्की हायरार्की, बस एक समरी में देता हूं, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड में फिट करके रखना, इसमें मैंने अच्छी अच्छी बातें और आपको बतानी है। मैं स्लाइड में आ रहा हूं, फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है, कर ले नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी।
तो अब देखो भाई समरी क्या है। तो सबसे ज्यादा लूज या सबसे यू कैन से बड़ी कैटेगरी ऑफ ग्रामर्स कौन सी है भाई, टाइप जीरो है ना। लूज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। ये है जी हमारी टाइप जीरो, ठीक है जी। उसके अंदर हमने बनाई थी जी टाइप वन, उसके अंदर हमने बनाई थी जी टाइप टू, और उसके अंदर हमने बनाई थी जी टाइप थ्री, ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो एवरी टाइप थ्री इज टाइप टू, बट एवरी टाइप टू इज नॉट टाइप थ्री एंड सो ऑन। वो सब मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है वेन डायग्राम की हेल्प से। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी समझा दिया था, जब मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था, पार्ट वन जो मैंने बनाया था चॉम्स्की हायरार्की पार्ट वन, उसमें मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया था। क्यों? क्योंकि टाइप जीरो में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। टाइप वन ने क्या कहा था, टाइप जीरो तो होनी चाहिए, उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन थी। तो इसलिए एवरी टाइप वन इज टाइप जीरो, बट एवरी टाइप जीरो इज नॉट टाइप वन। एक्सेप्शन मैंने आपको बार बार समझा भाई, नल प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन सिर्फ टाइप वन में अलाउड नहीं है, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप जीरो सब में अलाउड है, है ना। बस आई थिंक बाकी सब आपको पता है। एक दो बातें छोटी छोटी सी और मैं करना चाहता हूँ, वो करके फिर हम अपना वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। देखो भाई टाइप थ्री जो ग्रामर्स हैं, ये चॉम्स्की हायरार्की, चॉम्स्की हायरार्की क्या है, ग्रामर्स की हायरार्की हमने बना के दे दी आपको, है ना। हाँ जी, तो टाइप थ्री ग्रामर जो लैंग्वेज जनरेट करती है उसको हम बोलते हैं जी रेगुलर लैंग्वेजेस, शॉर्ट में लिख देता हूँ आरएल। आरएल का मतलब क्या है भाई, आरएल का मतलब है रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस। तो रेगुलर लैंग्वेजेस ये जनरेट करती हैं, तो इसलिए इसको रेगुलर ग्रामर भी कह देते हैं। टाइप थ्री ग्रामर इज आल्सो नोन एज रेगुलर ग्रामर, ठीक है। और रेगुलर ग्रामर क्या जनरेट करती है भाई, सिंपली रेगुलर लैंग्वेज। टाइप थ्री ग्रामर क्या जनरेट करती है भाई, रेगुलर लैंग्वेजेस, ओके। और रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट कौन कर रही है भाई, टाइप थ्री ग्रामर। और इसको एक्सेप्ट कौन करवाता है भाई, बिना कोई ज्यादा फाइनाइट ऑटोमेटा, प्लीज ये बात याद रखना भाई, है ना। ग्रामर जनरेट कर रही है, ऑटोमेटा एक्सेप्ट करवा रहा है। हाँ जी, तो रेगुलर लैंग्वेजेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, जी मतलब जनरेट, और एक्सेप्ट कौन कराएगा भाई, फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करो जी टाइप टू की। तो टाइप टू ग्रामर जनरेट क्या करती है भाई, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेजेस को टाइप टू ग्रामर जनरेट करती है। टाइप वन ग्रामर किसको जनरेट करती है भाई, टाइप वन ग्रामर जनरेट करती है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को, CSL, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को। और टाइप जीरो किसको जनरेट करती है भाई, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेजेस, या अच्छा बोले तो रिकर्सिव इनुमिरेबल लैंग्वेजेस, REL, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूं भाई आरएल, CFL का मतलब क्या है भाई, आप समझ गए होंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। अच्छा जी, CSL का मतलब समझ गए होंगे भाई, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। और REL का मतलब क्या है भाई, रिकर्सिव इनुमिरेबल लैंग्वेजेस, रिकर्सिव इनुमिरेबल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आगे बतानी है, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है, प्लीज अच्छे से लिख लेना। ये क्या लिखा है मैंने, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, ये क्या लिखा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, ये रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, बहुत रफली लिखा है, आप प्लीज अपने आप नोट डाउन कर लेना, मैंने बोल दिया काफी बार, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कोई मशीन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं जी PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। PDA मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा, प्लीज लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, मैं लिखूंगा ना लिखूंगा एक ही बात है, समझ तो आपको आना नहीं है, तो बेटर है आप लिख लो। PDA क्या है भाई, पुश डाउन ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास होता है भाई LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। LBA क्या है भाई, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास मशीन है जी ट्यूरिंग मशीन, ये बात ध्यान रखना, ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो ये सब चीजें मैथ्स फॉलो में काफी बार आ रखे हैं, सिंपल सिंपल गेट में क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको माइंड में रखने हैं। रादर ये फैक्चुअल क्या है, जब मैं धीरे धीरे डिटेल में जाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर चलूंगा, तो आपको अपने समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर वन हम ये देख रहे हैं रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, चैप्टर टू होगा हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के ऊपर, ओके। फिर चैप्टर थ्री ये CSL और REL ये सब मिक्स करके आ जाता है ना, तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के बारे में। उसके बाद फिर हम सीधा ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट करेंगे, ट्यूरिंग मशीन में फिर टाइप जीरो की इंट्रोडक्शन दूंगा, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी एंड सम, टोटल हमें तीन चार या चार चैप्टर ही पढ़ने, ट्यूशन में और ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है जी। प्लान हम आगे आराम से धीरे देखते रहेंगे, मैं आपको बस सिंपल वे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात ये भी दिमाग में रखना, लैंग्वेज को मैं रेगुलर कब कहूंगा, मेरे पास कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, उसको रेगुलर कब कहूंगा, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रेगुलर ग्रामर लिख सकता हूं जो कि इस लैंग्वेज को जनरेट कर सकती है। ये बात याद रखना भाई, लैंग्वेज हैड टू बी रेगुलर, प्रॉपर लिख लो भाई, मैं आराम से बोल रहा हूं, प्लीज लिख लो, मैं लिखूंगा तो वही बात आपको समझ आना नहीं, बेटर आप लिख लो। अ लैंग्वेज हैड टू बी रेगुलर इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर ग्रामर जनरेटिंग दैट लैंग्वेज, सिर्फ तभी मैं लैंग्वेज को रेगुलर कह सकता हूँ, अदरवाइज मैं लैंग्वेज को रेगुलर नहीं कह सकता। ऐसे समझ लो लैंग्वेज है हमारे पास, मेरे को उसको टैग करना है, मेरे को इस पे ठप्पा लगाने की रेगुलर है, तो मैं इस पे ठप्पा कब लगा पाऊंगा ये रेगुलर है, जब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाऊंगा। अगर मैं रेगुलर ग्रामर लिख गया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी रेगुलर लैंग्वेज है, अदरवाइज ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही लैंग्वेज CFL कब होगी, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कम से कम एक
टाइप टू ग्रामर तो लिख के दू, कम से कम एक, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ग्रामर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक लिख के दिखा दो, मेरे बात बन जाएगी। ऐसे ही टाइप लैंग्वेज को रेगुलर कब कहेंगे, इफ एंड ऑनली इफ देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर ग्रामर व्हिच कैन जनरेट दैट लैंग्वेज। लिख देता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे को सेटिस्फेक्शन है, लिख देता हूँ। अ लैंग्वेज इज सेट टू बी रेगुलर, अ लैंग्वेज इज सेट टू बी रेगुलर रेगुलर इफ एंड ऑनली इफ देयर एग्जिस्ट रेगुलर ग्रामर generating it, ठीक है, वो generate कर सके। फिर आगे वही बात है, one to one correspondence दिखाऊंगा grammar और automata में and so on, तो आप यहाँ पे ये बात भी बोल सकते हैं there exists regular grammar, या बोल सकते हैं there exists finite automata accepting it। ये सब बातें बड़ी basic है भाई, आपको आनी चाहिए, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, language set to be regular if and only there is regular grammar generating it, ये अच्छे से दिमाग में रखना, generating it। या फिर आप क्या बोलोगे, देयर इज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग इट, या तो कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखा दो जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करा पा रहा, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा कि लैंग्वेज रेगुलर है, या फिर आप कोई रेगुलर ग्रामर लिख के दिखा दो उस लैंग्वेज को कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मैं मान जाऊंगा कि लैंग्वेज रेगुलर है, इसके अलावा मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, ठीक है। थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आगे भी बात है, हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन देखनी है, तो उसके भी उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बोलते थे कि लैंग्वेज रेगुलर है, बट वही बात है, आगे आराम से देखेंगे, सब कुछ ना इक्विवेलेंट होता है, ज्यादा भी बोलूंगा तो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा, मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाह रहा, आराम आराम से बोलूंगा, ठीक है जी। पॉइंट समझ में आ गया, तो लैंग्वेज रेगुलर कब होगी भाई, जब मैं कोई कम से कम एक टाइप थ्री ग्रामर लिख जाऊं, या कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना जाऊं, ठीक है, बात कंप्लीट। सीएफएल कब कहूंगा भाई, या लिख लिया सबने, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अ लैंग्वेज इज सेट टू बी सीएफएल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेटिंग इट, या फिर देयर एग्जिस्ट पीडीए एक्सेप्टिंग इट, बात पकड़ गए। अच्छा जी, ऐसे ही अ लैंग्वेज इज सेट टू बी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, अच्छा ये कर लिया नोट डाउन, हाँ जी, a language said to be context sensitive language if and only if there exists what context sensitive grammar generating it, या there exists LBA accepting it, ठीक है, if and only if, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन, a language is said to be RE, language is said to be RE recursive enumerable if and only if there exists type 0, there exist type 0 grammar generating it, or there exist Turing machine accepting it। Properly अच्छे से note down कर लो, ठीक, आपके mind में चीजें fit हो जाएंगे। ध्यान रखना भाई, if and only if है, ठीक है, I think clear हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ठीक है, that's it, मेरे को और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बाकी जब धीरे धीरे और चीजें आएंगी तो मैं और आपको समझाता रहूंगा, तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चॉम्स्की थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा टाइप 3 ग्रामर की डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।